धीरे चलो और संभल कर चलो, धीरे चलो और संभल कर चलो, यातायात के नियम पर अमल कर चलो। अब करो फैसला खुद की खाके कसम, अब करो फैसला खुद की खाकर कसम, टूटेगा न कभी यातायात का नियम। वेरी गुड यार, वेरी। नमस्कार नमस्कार एंड देन मेरे प्यारे प्यारे साथियों, तो आप हैं अर्पित कहार, इनका नाम है अर्पित कहार और ये है सेकेंड ईयर के स्टूडेंट, पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग कर रहे हैं और मैकेनिकल ब्रांच है, सही हूँ मैं? तो इनसे मेरी मुलाकात यूं ही हुई थी, मुश्किल से एक दो महीने की हमारी अभी मित्रता है। छोटे भाई हैं ये और बहुत ही दिलचस्प कविताएं लिखते हैं और मुझे बहुत खुशी हुई इस बात की कि आपका जो कोर्स है वो टेक्निकल इंजीनियरिंग फील्ड वाला है और उस पे आप एक कविताएं का शौक रखते हैं तो बहुत अच्छा है और इसी को आगे बढ़ा सकते हैं दोस्तों, क्योंकि अब कवि जो है एक स्वच्छंद एक स्वच्छ विचारों का कवि अब नहीं दिखाई देता, तो वो कवि कहीं खो ना जाए तो उसको ढूंढ के लाते हैं और अर्पित बन जाते हैं। तो दोस्तों मैंने कल इनसे बात कही, मैंने कहा कि भाई कुछ ट्रैफिक से रिलेटेड भी, कुछ हमारे यातायात के नियम से संबंधित भी अगर आपके दिमाग में चले तो बना के बताइएगा। तो रात में मैंने फोन किया था और ये सुबह टाइम मेरे पास आ गए और ये कविता लेके आए हैं, तो दिखाइए, मैं आप सभी के सामने पढ़ना चाहता हूँ उस कविता को। जरूर ध्यान से पूरी कविता बहुत ध्यान से सुनिएगा, बिल्कुल भी बोर नहीं होंगे आप। मैं एक बार पढ़ाऊँ अभी, एक बार आपके सामने पढ़ लेता हूँ। तो यातायात के नियम संबंधी है कि दुर्घटनाओं से भरा ये कैसा सफर है। आए दिन दुर्घटनाएं हो रही है दोस्तों, दिन भर में लगभग जो है तो 11 से 14 हजार तक एक्सीडेंट्स होते हैं और पूरे देश में हम बात करें तो 1.5 से 3 लाख तक के लोगों की जान जाती है हर साल। तो ये दुर्घटनाओं से भरा ये कैसा सफर है, हर वक्त देखो यहाँ एक कहर है। सड़कों पर चलते हैं बेपरवाह क्यों ये लोग, सड़कों पर चलते हैं बेपरवाह क्यों ये लोग, कोई हेलमेट नहीं लगाया, कोई सीट बेल्ट नहीं लगाया, कोई तीन सवारी चल रहा है ना, कोई मोबाइल पर बात करते हुए चल रहा है, तो ये बेपरवाह लापरवाही हुई। तो सड़कों पर चलते हैं बेपरवाह क्यों ये लोग, खुद के जीवन में से खेलने का क्यों लगा इनको रोग। सड़कों पे चलने का है कुछ नियम, ट्रैफिक रूल्स बने हुए हैं, तो सड़कों पे चलने का है कुछ नियम, भूल उसको ये लोग तोड़ते हैं संयम। रहम कर खुदा ने बनाया जमीन, रहम कर, बात सही है कि रहम कर खुदा ने बनाया जमीन, सड़कें बनाई और दिया ये मशीन। मशीन मीन्स मोटर गाड़ी। बिल्कुल, सड़कें हैं उसकी मशीनें उसी का, सड़कों पे चलने का नियम भी उसी का, मानकर जो चलोगे नियमों को तुम, तो मशीनें बनेंगी पर्याय खुशी का, और एक्सीडेंट हो गया तो गम का पर्याय बन गया, बहुत बढ़िया। तो मशीनें बनेंगी पर्याय खुशी का, भूखा प्यासा सड़क पे एक सिपाही खड़ा। मेरे जैसे तमाम अपने देश में जो ट्रैफिक के जवान खड़े हुए रहते हैं, एक बार मैं सैल्यूट करता हूँ सभी को, कड़ी धूप में, गर्मी हो ठंड हो बरसात हो, हर मौसम पे। तो भूखा प्यासा सड़क पे एक सिपाही खड़ा, जिंदगी के खातिर तुम्हारे वो देखो गर्मी सर्दी और बर्फबारी से लड़ा, वो तुम्हारी जिंदगी का फिक्र कर रहा है, वो तुम्हारी जिंदगी का फिक्र कर रहा है, यातायात के नियम का जिक्र कर रहा है। वाहनों पर चलो तो सीट बेल्ट और हेलमेट लगाओ, करके मनमानियां जिंदगी न गवाओ। तू यहाँ चल रहा है रफ्तार से, जो तेज गति से चलते हैं, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के जो डाटा आया है, उनका जो आंकड़ा आया है उसके अनुसार सबसे ज्यादा अगर एक्सीडेंट हमारे देश में होते हैं तो तेज रफ्तार की वजह से होते हैं। तो बहुत ही शानदार आपने कहा है कि तू यहाँ चल रहा है रफ्तार से, पर तेरा घर है चलता तेरे प्यार से। दोस्तों आप अपने घर के मुखिया हो सकते हो, मेन मालिक हो सकते हो, जिम्मेदार हो सकते हो, घर के चिराग हो सकते हो, दीपक हो सकते हो घर के, और आपके प्यार से ही आपको घर चल रहा है। तो बहुत बेहतरीन ये लाइन है आपकी, तू यहाँ चल रहा है रफ्तार से पर तेरा घर है चलता तेरे प्यार से, नफरत यहाँ है तुझे हार से पर डर क्यों नहीं है, पर डर क्यों नहीं है गले हार से। रेसिंग चल रही है, हम हार जाएंगे, गाड़ी बहुत धीमे मत करो, हार जाएंगे, हमारा दोस्त आगे निकल जाएगा, जीत जाएगा, तो उस हार से डर है तुमको, लेकिन जो गले हार डल जाएगा तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारे फोटो पे, उससे डर नहीं है, उससे डर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चंद लम्हों का है ये खुशी का नशा, तोड़ नियमों की रेखा न कोई बसा, धीरे चलो और संभल कर चलो, यातायात के नियम पर अमल कर चलो। अब करो फैसला खुद की खाके कसम, अब
करो फैसला खुद की खाकर कसम, टूटेगा न कभी यातायात का नियम। वेरी गुड यार, वेरी गुड। अब संभल कर चलो हम बढ़ाएं कदम, हो न जहां पर कोई दुख और गम, अब एक ऐसी दुनिया बसाएंगे हम। वेरी गुड, बहुत बढ़िया लगा। और ये बहुत ही कम समय बन चुकी है, सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं, एग्जामिनेशन वगैरह भी चल रहे हैं, तो बहुत ही कम समय पर बहुत ही प्यारी कविता इन्होंने बनाई है। मैं चाहता हूँ कि जितने भी हमारे देश के प्रतिभावान कवि हैं और उभरते हुए कवि हैं, प्लीज कविता को जीवित रखिए, क्योंकि ऐसा नहीं है, बहुत से लोग हैं जो कवि प्रेमी हैं, कविता प्रेमी हैं अभी भी। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आपके अगर आस पड़ोस में, आपके समाज में कहीं कोई इस तरीके से अगर अच्छा कोई एक प्रतिभावान कवि है तो उसका सम्मान करें, क्योंकि जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। बहुत बढ़िया अर्पित भाई। ठीक है दोस्तों, तो बहुत अच्छा लगा अर्पित भाई आपकी ये कविता पढ़कर। दोस्तों अगर आपको इनकी और कविताएं पढ़ना है तो आपका यूट्यूब चैनल भी है जी सर, अर्पित पोएट्री, अर्पित पोएट्री करके इनका यूट्यूब चैनल है, उसको पे जाइए और कविताएं पढ़िए। अगर अच्छी लगती तो शेयर कीजिए और चैनल को इनके सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए। बहुत अच्छा लगता है क्योंकि एक बहुत ही गरीब तबके से उठकर एक शिक्षित वर्ग का कोई लड़का अगर आगे बढ़ता है तो बहुत ही अच्छा लगता है देखने में। सपोर्ट कीजिए दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।